गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू वेल एंड फाइन। टुडे वी डिस्कस अबाउट एंड वी लर्न अबाउट ऑर्डर लेटर्स। बिफोर दिस वी नो रिक्वेस्ट लेटर एंड रिक्वेस्ट रिप्लाई लेटर एंड the process is continuing. Before, in the very beginning, it is your duty, it is the duty of your company. You first do inquiry with a quotation and a latest price, and then reply. Everything is okay according to you, according to your company. Now you order for your कंपनी, यानी कि आपने पहले इंक्वायरी की है, इंक्वायरी का जवाब भी आपके पास आ चुका है, या फिर आपने कैसा एक इंक्वायरी लेटर भी समझ लिया है। सब कुछ सही है आपके समझने के मुताबिक, तो अब आप ऑर्डर लेटर कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेटर ऑफ ऑर्डर शुड बी क्लियर, एक्यूरेट एंड complete so that supplier may have no chance of misunderstanding it. आप जो कुछ अपने लेटर अपना ऑर्डर दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर, एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए, ताकि सप्लायर हैव नो चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि उसको आपके लेटर से उसको आपने जो कुछ डिमांड की है वो जब आपको कुछ दे रहा है तो सीधी सी बात है कि उसको हर बात उसकी समझ में आ जानी चाहिए। इस तरह से आपको लेटर लिखना है आपकी कंपनी के लिए, आपकी लेबोरेटरी के लिए, एज ए यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर कंपनी। तो आप उसी तरह हर बात को आप क्लियर कट और कंप्लीटली लिखेंगे, किसी भी बात को आधी अधूरी छोड़नी नहीं है। ए लेटर ऑफ ऑर्डर इज वर्थलेस इफ इट ओमिट्स इम्पॉर्टेंट डिलीट। अगर आप इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें रह जाती है लिखने में, सो इट इज वर्थलेस, यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं है। तो हर एक बाबत को आपको सही से समझ कर लिखनी है, ताकि ये ओमिट न हो सके, मतलब वो बाहर ना निकल जाए। इन दैट सेंस आपका पूरा लेटर ही कैंसिल ना हो जाए, सो इम्पोर्टेंट डिटेल जो है वो रह जाएगी। इसीलिए आपको इसको क्लियर, कंप्लीटली और एक्यूरेंसी के साथ लिखना है। हमने जो इंक्वायरी की थी और फिर रिप्लाई इंक्वायरी का जो लेटर पढ़ा, उसमें जो एड्रेस था वो सेम एड्रेस यहाँ रखा गया है, डिटेल भी सेम रखी गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लेटर जो हम आपकी जो किताब है अंजुम की एक्टिव इंग्लिश, उसमें जो ड्राफ्ट बनाए गए हैं उसी ड्राफ्ट से आधार से हम ये लेटर लिख रहे हैं और समझ रहे हैं, ताकि जब आपके पास ये बुक आए तो आपको इसे समझने में बहुत आसानी रहे, सहूलियत रहे। तो ड्राफ्ट अ लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स फॉर योर इंडस्ट्री, यानी कि आप अपनी कंपनी के लिए पहले इंक्वायरी की, इंक्वायरी का आपको लेटर इंक्वायरी जो थी आप उसका रिप्लाई भी आपको मिल गया, उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी वो आपने देखी, 90% पैसे देने हैं, 10% आपको बाद में पैसे देने हैं, जो उनकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, 30 दिन के लिए ये लेटर मान्य रहेगा, सॉरी वो कंडीशंस मान्य रहेंगी। तो अब जाके आप वो सब समझ चुके हैं और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी जो हर कंपनी की होती है वो आप समझ गए, अब आप एक उसी कंपनी को एक ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इंक्वायरी जो की थी वो अरोमा इंडस्ट्री ने की थी, तो अब ऑर्डर भी अरोमा इंडस्ट्री ही कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही एड्रेस हो, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, एड्रेस कोई भी हो सकता है, और ऐसा ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो 200 टूल्स से ही बिलोंग हो, कुछ भी किताब भी हो सकती है, लैब इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ हम परचेज कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब कुछ हो सकता है। तो एड्रेस अलग हो सकता है, अरोमा इंडस्ट्रीज 1453 GIDC वटवा अहमदाबाद 23 जून
2020 ये एड्रेस आपको अपने जो आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें से आपको हमेशा मिल जाएगा। तारीख आप अपने उस हिसाब से लिखनी है ताकि आपको आगे जब जब उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं ऑर्डर में तो उसको आप सही से डिस्क्रिप्शन कर पाए। दी मैनेजर ज़ाइलोनाइट, यहाँ थोड़ा एड्रेस चेंज हो गया है, ज़ाइलोनाइट टूल्स फॉर्म जेनिथ रोड मुंबई, यहाँ ज़ाइलोन ही है लेकिन ये शायद मेरे से प्रिंट में टाइपराइटिंग में शायद ऐसे हो गया है। तो टू दी सॉरी दी मैनेजर ज़ाइलोन टूल्स फॉर्म जेनिथ रोड मुंबई, ये वहाँ का एड्रेस है जिसको हम ये पूरा लेटर एड्रेस कर रहे हैं जिस कंपनी से हम ये कुछ मंगवा रहे हैं। सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स, ये तो शायद आपको अब याद ही रह गया होगा। ऑर्डर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स, मैंने पहले भी बताया आपको कि इसकी जगह से कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि लैब इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर आप खरीदना चाह सकते हैं, सॉफ्टवेयर आप लेना चाह रहे हैं, कोई अदर चीज़ आप जो परचेस कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल को जो ज़रूरत होती है वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। इम्पोर्टेंट है यहाँ हमारा सब्जेक्ट कि आप जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वो सब्जेक्ट में होनी बहुत ज़रूरी, बिकॉज इट इज़ द हार्ट ऑफ लेटर। ओके, नाउ आगे आप लिखते हैं, वी थैंक यू फॉर योर कैटालॉग एंड प्राइस लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल टूल्स। मैंने आपको बताया कि जब हमने वो इंक्वायरी लेटर रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर समझा तो उसमें हमने कंपनी की ओर से जहाँ से हमें जहाँ हम ऑर्डर देना चाहते थे जहीं कहीं भी हम ऑर्डर देना चाहते हो तो हमें अगर वो हमारे पास कैटालॉग हो ना हो तो भी फिर भी हमें एज ए स्टूडेंट ये समझना है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें आपकी आ चुकी थी और हम उसको लेकर ही ये लेटर लिख रहे हैं, यानी कि आपका जो कैटालॉग है और उसकी जो प्राइस लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। एंड वी थैंक्स फॉर यू, हम आपका आभार मानते हैं। और जो कैटालॉग है जो प्राइस लिस्ट है वो मॉडल नंबर 142X कुछ भी हो उसके बारे में है। वी फाइंड द प्राइस एंड टर्म रिजनेबल, वी आर प्लीज्ड टू प्लेस आवर ऑर्डर फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स, मॉडल नंबर है। बहुत ही देखिए आप बहुत ही सिंपल से लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कोई चढ़ाव के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना कहा पूछा गया है जितना मांगा गया है उतना आप बड़े ही आसान तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं कि वी थैंक फॉर योर कैटालॉग एंड प्राइस लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल टूल्स, वी फाइंड द प्राइस एंड टर्म्स रिजनेबल, सो वी प्लीज टू प्लेस आवर ऑर्डर फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स। बहुत ही आसान है, एक दो सेंटेंस में ही पूरी बात समझा दी गई है कि हमें आपके द्वारा जो कंडीशंस रखी गई है वो हमें बिल्कुल मंजूर है और हम अपना ऑर्डर आपको यहाँ प्लेस कर रहे हैं, आपको ऑर्डर भेज रहे हैं। प्लीज सेंड द गुड्स बाय 15 जुलाई 2020, वी हैव एनक्लोज हियर आवर ऑर्डर फॉर्म एंड चेक फॉर 90% ऑफ द बिल, क्योंकि उन्होंने जो प्राइस लिस्ट और कैटालॉग भेजा था उस हिसाब से उन्होंने अपना ऑर्डर बनाया और ऑर्डर के आधार पे उन्होंने उसकी वैल्यू तय की और वैल्यू तय होने के बाद उसका उन्होंने चेक बनाया है 90% का, यानी कि आप ऐसा कर रहे हैं। प्लीज़ सेंड द गुड्स बाय 15 जुलाई 2020, ये एक अप्रोक्सीमेट डेट है कि आप इस तारीख से आसपास हमें सामान भेज दीजिए। एंड वी हैव एनक्लोज हियर आवर ऑर्डर फॉर्म, जो उनका जो ऑर्डर फॉर्म होता है वो उन्होंने ऑर्डर फॉर्म और चेक ऑफ 90% बिल, उन्होंने वो चेक विथ कैश विथ ऑर्डर, बाकी की जो रकम है वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि 10% जो पैसे बाकी रह जाते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी होगा, जब सामान आ जाएगा तब
दे दिया जाएगा, ऐसा यहाँ लिखा नहीं लेकिन हम ऐसा गेस कर रहे हैं। प्लीज़ एक्नॉलेज द रिसिप्ट, प्लीज़ इसकी रिसिप्ट आप हमें भेज दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको अगर लाख रुपये का है तो हमने आपको 90,000 रुपये दे दिए है, इस बात की हमारे पास भी एक रसीद होनी चाहिए। तो इस तरह इन्होंने अपना पूरी बात बता दी है। हर बात को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात बताई नहीं है, बड़े सिंपल से और समझ में आ जाए इस तरह से ये लेटर है। मूलतः जो किताब में थोड़ा कुछ ऐसा है, लेकिन इसको मैंने आपके समझ में बेहतर तरीके से आ जाए, आप ठीक से समझ पाए, इसलिए इसको थोड़ा ठीक से मैंने बनाया है। फिर आप हमेशा जिस तरह लिखते हैं योर्स फेथफुली, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अरोमा इंडस्ट्री जो ये सामान मंगवा रही है, एनक्लोज ऑर्डर फॉर्म एंड चेक, चेक का यह स्पेलिंग गलत हो गया है, CHEQUE, लेकिन आप इसको ऊपर जो चेक का स्पेलिंग है CHEQUE 490%, उसके आप हिसाब से उसको ले लीजिएगा, क्योंकि ये शायद प्रिंट लिखने में मेरी मुझसे गलती हो गई है। एक बार फिर से पूरे लेटर को मैं आपको समझा देता हूँ। यह फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो लिखा था लेटर, वो एकदम क्लियर एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो रही है समझने में, तो आप अपने मेंटर के द्वारा ये व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं कि इस ऑर्डर इस सारे लेटर में हमें क्या समझ में नहीं आया है, क्या समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे टेलीफोनिक बात करके भी समझा सकता हूँ बाय योर मोबाइल कि व्हाट इज़ द रियल मैटर फॉर दिस लेटर, बिकॉज वी लर्न 5 लेटर विद दिस। फर्स्ट ऑफ देम इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट लीव एंड देन बोनोफाइड एंड देन इंक्वायरी रिप्लाई टू इंक्वायरी एंड नाउ ऑर्डर लेटर। तो यहाँ तक हमने इतने 5 लेटर पढ़े हैं, सब में यही बात कॉमन रही है कि आप जो लिखना चाहते हैं वो क्लियर एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें तो खास बताया गया कि सप्लायर में हैव नो चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको जो आप जो कुछ सामान मंगवा रहे हैं वो इन अ शॉर्ट टाइम में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी किसी को जवाब देना है, का प्रोडक्शन का सवाल है, इन सब बातों को हमें हमारे दिमाग में रख के हम ये ऑर्डर दे रहे हैं। सो इफ़ यू समथिंग डिटेल अगर आप भूल जाते हैं लिखना, तो ये पूरा जो आपका लेटर है वो वर्थलेस मीनिंगलेस हो जाएगा। एड्रेस हमने समझ लिया, जहाँ भेजना है वो भी एड्रेस समझ लिया, ऑर्डर फॉर 200 टूल्स मॉडल वो भी समझ लिया, आपके जो कैटलॉग और जो प्राइस लिस्ट थी उसके हिसाब से हमारा ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, और हमें आपकी प्राइस जो है रिजनेबल है, ब्याज भी है वो हमें ठीक लगी है, और आपकी जो कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू योर पेमेंट 90% और 10% आफ्टर डिलीवरी वो भी हमें ठीक से समझ में आ गई है, और इस तरह आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और आप साथ में उनको ये भी बता रहे हैं कि 15 जुलाई यानी कि आपने लेटर लिखा है, आपने जो लेटर लिखा है 20 जून को, और आप उसको इसका जवाब मांग रहे हैं 15 जुलाई को, मतलब आपने काफ़ी 20 दिन का आपने उनको वक्त दे दिया है, क्योंकि शायद आप सब ये सब पूरी समझने की बात है। वैसे भी आप इन रियल सेंस आप कोई लेटर लिख नहीं रहे, लेकिन एज ए इंजीनियर व्हेन यू गो इन any company, so it is your duty to write a letter for something inquiry, for some purchase, not and sometimes it will be happen you only want quotation from the other branch, from the other company, so it is the one kind of a practice for you how to write a letter and how to correspond with the other company। तो इस हिसाब से ये हम सब letter समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सो 90% वाली जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उनको मंजूर है, CWO कैश विथ ऑर्डर है, और 10% जो है कैश ऑन डिलीवरी है। योर्स फेथफुली में कई बार क्या होता है कि यहाँ जो एयर्स में जल्दबाजी में आप एपोस्ट्रोफिक एस लिख देते हैं वो गलत है, वहाँ आपका एक मार्क्स कट जाता है,
बिल्कुल सही है, अगर आपने अपोस्ट्रोफी यस लिखा है, फेथफुली लिखा है, कॉमा किया है, बाद में आपने नीचे साइन की है, एग्लोज लिखा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी यस लिख दिया गया है तो ये जो पूरा पोर्शन होता है उसका हाफ मार्क होता है, वो आपका मार्क्स चला जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एपोस्ट्रोफिक यस करने की ज़रूरत नहीं है, योर्स फेथफुली लिखना है आपको, आपका विश्वास लिखा। आप एपोस्ट्रोफिक यस जब आप लिखते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। आराम से एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। 14 तारीख से आपके अलग अलग सब्जेक्ट की एग्ज़ाम, सॉरी इस शनिवार से सैटरडे से आपकी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की एग्ज़ाम हो रही है। एक घंटे का आपका पेपर रहेगा और पेपर खराब मतलब ख़त्म हो जाने के 10 मिनट के बाद आप उसको सबमिट ठीक से कर देना है। इंग्लिश का पेपर भी आएगा। हमने यहाँ 14 तारीख तक यानी कि इस लेक्चर के साथ जब जितना हमारा सिलेबस हुआ है यानी कि 3 स्टोरी और 4 कॉम्प्रहेंशन हुए हैं, वो जो मेरा टेक्स्ट का हिसाब है, ग्रामर का तो आपको मालूम ही होगा ग्रामर में कितना है, तो इन सबको मतलब 14 अक्टूबर तक का जितना भी सिलेबस होगा वो आएगा। आपको उसको डिस्क्रिप्टिव यानी कि सप्लीमेंट्री में लिखना है, वो आप सबको मैसेज मिल गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर, ओके, बाय बाय।